Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss exercise 2.22 to 2.31, right? Let's start with the exercise question number 2.22. Which of the following are isoelectronic species? Those having the same number of the electrons, right? We have to find out here some elements or ions or species are given, right? And from that we have to find out the which are the isoelectric species to each other, right? First of all, what do you mean by the isoelectric species? Uska meaning diya hi gaya hai. अगर ना भी दिया होता तो आपको पता होना चाहिए. हमने थियरी में बात की थी इसके रिलेटेड, सही है. जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे बोलते हैं हम, तो मींस दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जिस एलिमेंट्स के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. मतलब यहाँ पे जो भी सारे एलिमेंट्स गिवन है उसमें हमें पहले ये देखना होगा कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है. अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज कौन कौन से है. ओके, नाउ पहला है Na+. जो Na है उसका एटोमिक नंबर कितना है, 11, राइट. हमें इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं वो देखने हैं, तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो मतलब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सही है. बट यहाँ पे Na+ लिखा है, सही है. मतलब कि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो -1 डोनेट किया तो -1 हो जाएगा. सो Na+ हैविंग टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, सही है. 11 उसके पास होने चाहिए, उसने एक डोनेट कर दिया तो हमने -1 कर दिया. सो Na+ हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन, राइट. दूसरा है हमारे पास K+. जो पोटेशियम है उसका एटॉमिक नंबर है हमारा 19, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19. उसने भी क्या किया, K+ है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया. सो पोटेशियम प्लस हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन, राइट. नाउ द सेकेंड थर्ड वन इज मैग्नीशियम +2, राइट, Mg+2. नाउ द एटॉमिक नंबर ऑफ द मैग्नीशियम इज 12. सो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 12, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं. नाउ यहाँ पे +2 है, मतलब वो जो मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मतलब वी हैव टू डू 12 -2, इट विल बी अ 10 इलेक्ट्रॉन, राइट. नाउ फोर्थ वन इज Ca+2, राइट. हियर यहाँ पे क्या है, तो जो Ca+2 है उसका एटॉमिक नंबर होता है 20, तो 20 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. +2 है मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, सो वी हैव टू -2, 20 -2, इट विल बी अ 18 इलेक्ट्रॉन, राइट. नाउ लास्ट वाला नहीं, अभी एक है S-2, ओके, सल्फर -2. जो सल्फर है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो 16, सही है. चलो 16, यहाँ पे हमने जो सारे चार्जेस देखे वो कैसे थे, प्लस में थे, मतलब कि वो डोनेट कर रहे थे. डोनेट करने से वो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, उसी वजह से हमने यहाँ पे माइनस कर दिया. यहाँ पे है S-2, -2 का मतलब है कि वो गेन कर रहा है, ओके. और गेन करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है उसमें वो गेन किए, मतलब कि ऐड किए, कितने, 2, तो उसके भी हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, राइट. एंड लास्ट है हमारा आर्गन, उसका एटॉमिक नंबर है 18, तो इसके पास कितने होने चाहिए, 18, ना तो लूज कर रहा है ना तो गेन कर रहा है, सो वी कैन राइट इट 18 इलेक्ट्रॉन, राइट. सो यहाँ पे जितने भी स्पीसीज दिए थे उसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या कर लिया, तो फाइंड आउट कर लिया कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो हमारा सोडियम और मैग्नीशियम है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वो दोनों कैसे हो जाएंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक. बाकी के रहे ये 18 वाला, 1, 2, 3, 4, बराबर. इन सारों के पास कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सारे एक दूसरे से आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे. सो वी कैन से दैट
Na plus and Mg plus 2 are isoelectronic with 10 इलेक्ट्रॉन, राइट? कि ये दोनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, किस कैसे है? तो इन दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, राइट? एंड ऑल्सो अब कौन कौन से रह गए? के प्लस, सी ए प्लस 2, एस माइनस 2 एंड आर्गोन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विथ 18 इलेक्ट्रॉन, राइट? कि ये जो चार है हमारे पास, पोटेशियम, कैल्सियम, सल्फर माइनस 2 एंड आर्गन, उनके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएंगे. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.23. उसमें जो फर्स्ट है वो है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग आयन्स, राइट? यहाँ पे कुछ आयन्स दिए गए हैं, और फॉर दैट वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. फर्स्ट दिया गया है हमारे पास हाइड्रोजन, ओके? फर्स्ट है आईएच माइनस 1, ए लिखा है तो यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ पे ए है तो, ओके? चलो, तो हाइड्रोजन का एटोमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, सही है? अब यहाँ पे माइनस है, मतलब के उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2. 2 है तो कैसे फिल अप हो गए? 1s2, सही है. चलो बी की बात करें, बी कौन सा है? Na प्लस सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, सही है? उसमें से एक उसने क्या किया तो डोनेट कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10. चलो अब 10 को हमें क्या करना है? फिलअप करना है. कैसे फिलअप करेंगे? तो फर्स्ट हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6. चलो यहाँ पे कितने हो गए? तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, तो मतलब 10 हो गए. तो Na प्लस की कॉन्फिगेशन क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p6, राइट? जो थर्ड वन है हमारा वो क्या है? O माइनस 2, उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, सही है? यहाँ पे उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए? गेन किए, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10. तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी कितनी हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p6, सही है? तो O माइनस 2 कॉन्फ़िगरेशन ये होगी. नाउ द नेक्स्ट वन इज F माइनस, राइट? जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इट मींस के अब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10. तो ये माइनस 1 है, मतलब उसने एक गेन किया, 9 थे, एक गेन किया तो 10 हो गए. तो उसकी भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, सही है? ये सारे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन करते हैं वो क्यों करते हैं? हमें पता है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ओके? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने से वो स्टेबल फॉर्म में आ जाता है. नाउ जो हमारा 2.23 है उसमें फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया, उसमें सेकंड क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय. यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, किसका? द आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, और उस पे से हमें फाइंड आउट करना है कि वो जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ओके? तो फर्स्ट है हमारा 3s1. अगर 3s1 है तो 3s1 तक हम उसे कैसे लिख सकते हैं? तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पहले तो, कि 1s2, 2s2, 2p6 एंड देन 3s1, सही है? जो हमें 3s1 दिया गया है वो पहुंचने से पहले उसकी जो लोअर ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी की, इससे लो एनर्जी की ऑर्बिटल है वो फिलअप होगी, उसके बाद 3s में इलेक्ट्रॉन जाएगा. मतलब 3s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके पास 1s फुल है, 2s फुल है और 2p भी फुल है, सही है? चलो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए?
तो 2 और 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1 11, सही है। अगर उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, सही है, इट हैव 11 इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन से दैट द एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू आल्सो 11, सही है। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा उसका 11, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना है उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ओके, यू गेट इट? नाउ हमारे पास 2p3 है। ओके, 2p3 तक जाने के लिए पहले क्या होगा, तो 1s2, 2s2, then 2p3, ओके। तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 और 3 7, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स के उसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 7। आई बात समझ में? तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 7, किसका, जिसकी लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन हो है 2p3 में। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा 3p5। ओके, तो 3p तक जाना है, मतलब पहले आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5, राइट। 3p का नंबर कब आता है, तो उससे पहले 1s2 फिलअप होता है, 1s फिलअप होता है, 2s फिलअप होता है, 2p, 3s, ये सारे ऑर्बिट फुल्ली फुलफिल हो जाए उसके बाद ही 3p का नंबर आता है, सही है। तो उसके पास जिसकी आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन 3p5 में है, उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2 2 4 4 प्लस 6 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस 5 17। अगर 17 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स वी कैन से दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट हु हैव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन 3p5 will be 17. Okay, do you get it? समझ में आ रहा है ना कैसे हम एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका उतना ही एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का। जब आयन की बात करें तो उसके चार्ज के अकॉर्डिंग हमें घटाना बढ़ाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, उसका सिर्फ नॉर्मल जो एलिमेंट है उसका ही नॉर्मल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। ओके, तो आउटर मोस्ट के थ्रू हम जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं फाइंड आउट कर लिख सकते हैं आसानी से, सही है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर हमें ये दिया गया है आउटर मोस्ट सारे, तो उसके इनर इलेक्ट्रॉन हम लिख सकते हैं, फिर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर होगा, सही है। तो ये 2.23 का सेकेंड हो गया। अब 2.23 के थर्ड की बात करते हैं, तो हमारा जो थर्ड है क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.23 का, वो है विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, राइट। हमें एटम बोलना है कि किस एटम की ये कॉन्फ़िगरेशन है। जो फर्स्ट है वो है हमारा हीलियम 2s2, चलो हीलियम हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 चार, और चार किसके लिए है हमारा, तो यस इट्स फॉर द यहाँ पे 1 है, 4 होंगे तो क्या होना आ जाएगा, बेरिलियम, यहाँ पे 2 और +1 है तो हो जाएगा हमारा लिथियम। ओके, Li उसका सिंबल है, उसका नाम है लिथियम। ओके, क्यों, क्योंकि Z इक्वल टू 3 आया यहाँ पे, एटॉमिक नंबर कितना मिला हमें 3, और उसके लिए कौन है, लिथियम प्रेजेंट है। ओके, चलो बी हमारा क्या है, तो नियोन 3s2 3p3, चलो नियोन का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस 2 प्लस 3 तो हो गए 15, एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 15, और एटॉमिक नंबर 15 हो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, तो फास्फोरस, राइट, तो हो जाएगा फास्फोरस। ओके, नाउ द सी इज आर्गोन 4s2 3d1, ओके, चलो जैसे हीलियम के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियोन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, आर्गन का मतलब होता है 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 प्लस 2 प्लस 1, तो 18 प्लस 2 20 20 प्लस 1 21, हमारे पास z इक्वल टू 21 आ गया, और 21 हो ऐसा हमारा कौन सा एलिमेंट है, तो स्कैंडियम। ओके, स्कैन डीएम, तो ये हो गए हमारे क्या, हमें जो कॉन्फ़िगरेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने
एटम आइडेंटिफाई किए, अगर हमें एटम दिए हो तो उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं. ओके, आपको 1 to 30 तक याद रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी याद ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 1 to 30 एलिमेंट आपको विथ एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए. अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर भी पता है तो फिर आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली सीख जाओगे. ओके, चलो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 2.24. व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउ जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट. क्या बोला गया है कि कौन से एनर्जी लेवल में जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगी. सही है, तो वो कैसे पता चलेगा कि कौन से लेवल में एग्जिस्ट करेगी. तो हमारे पास जो ऑर्बिट हमें पता है वो कौन सी है, तो होती है हमारे पास एस पी डी एफ, और एफ के बाद कौन आएगा, जी. अगर इसके एल के वैल्यू की बात करें तो एल हो जाएगा एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, तो जी के लिए कितना हो जाएगा, 4. सही है, मीन्स वी कैन राइट दैट फॉर जी सब सेल, जी सब सेल एल इज इक्वल टू 4, राइट. हमें कौन फाइंड आउट करना है, हमें एल नहीं, हमें एन फाइंड आउट करना है. ओके, कि कौन से एनर्जी लेवल से वो एग्जिस्ट करेगी. जैसे हमें पता है कि ये कौन से एनर्जी लेवल से एग्जिस्ट करेगा, सेकंड, ए थर्ड, ये फोर्थ. सही है, तो अब यहाँ से आप कौन सा एनर्जी लेवल है कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो वी हैव द फॉर्मूला एल इज इक्वल टू एन माइनस 1, राइट. चलो अब हमें तो एन चाहिए, तो एन हो जाएगा एल प्लस 1. एल की वैल्यू है 4 प्लस 1 तो हो गया 5. मीन्स वी कैन से दैट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ जी ऑर्बिटल मिनिमम कौन सी वैल्यू होगी, एन इज इक्वल टू 5 लेवल इज रिक्वायर्ड. सही है, एनर्जी लेवल कौन सा चाहिए होगा हमें, एन इज इक्वल टू 5, तभी जी एग्जिस्ट करेगा, उससे पहले जी नहीं होगा. जैसे कि हम देखते हैं कि एन इज इक्वल टू 1 में पी और डी एफ ऐसे कुछ नहीं होते, सिर्फ एस होता है. फिर जब हम सेकंड एनर्जी लेवल में जाते हैं, हमने बात की थी, सही है, कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल उसमें सिर्फ एस होता है, सेकेंड एनर्जी लेवल में एस पी होता है, ऐसे थर्ड में एस पी डी एफ होता है, सही, एस पी डी होता है, फिर फोर्थ में एस पी डी एफ. तो अगर फिफ्थ में जाओगे देन द एग्जिस्टेंस ऑफ जी ऑर्बिटल कैन बी पॉसिबल, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. एक्सरसाइज 2.25. एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D orbital. Give the possible values of N, L and ML for these electrons. Right? हमें क्या बोला गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन 3D orbital में प्रेजेंट है, उसके लिए N, L and ML की वैल्यू लिखनी है. ओके, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल है 3D orbital है, for 3D orbital. चलो पहले n की वैल्यू लिख लेते हैं. n की वैल्यू क्या होती है, तो जो भी उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो, यहाँ कोएफिशिएंट जो भी होगा वही n हो जाएगा, तो यहाँ l की वैल्यू हो जाएगी 3. फिर l की वैल्यू क्या होती है, तो उसके लिए हमें पता है यहाँ पे कौन है, d है, और d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2. और जो ml है, अगर d है तो उसके 5 सबसेल है, सही है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, -1, 0, 1 एंड 2. आई बात समझ में, तो ये हो जाएगी कोई 3D ऑर्बिट है तो उसके लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू और ml की वैल्यू. ओके, चलो एक्सरसाइज 2.26. एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 29 इलेक्ट्रॉन्स एंड 35 न्यूट्रॉन्स. डिड्यूस फर्स्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सेकेंड
द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट. सही है, हमारे पास 29 इलेक्ट्रॉन है, 35 न्यूट्रॉन है, तो उसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने होंगे. एंड ऑल्सो वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर दैट एलिमेंट. ओके, तो हमें क्या पता है कि अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सही है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24 दिए गए हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 29. ओके चलो, तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन था वो फाइंड आउट हो गया. नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, राइट. तो जो एलिमेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, तो हमें इस 29 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है. ओके, तो उस 29 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिलअप करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट हैविंग 29 इलेक्ट्रॉन इज कितनी हो जाएगी. तो पहले 1s2, 2s2, 2p2, सॉरी 2p6, 3s2, 3p6. ओके, कितने हैं, 2, 2, 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18 तक हो गए. ओके, उसके बाद बारी आती है 4s2 और 3d की. ओके, तो अगर एक्चुअल में लिखने जाए तो हमारा क्या होता है, पहले 4s फिलअप होती है और फिर 20 हो गए और 3d 9. तो ये कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, बट वी नो दैट कि यहाँ पे जो 3d है वो 9 है. अगर वो फुलफिल हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन लेके तो वो मोर स्टेबल हो जाएगी, तो ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है. लेकिन क्या आती है, तो पहले 3d 10 हो जाएगा, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा और वो क्या हो जाएगा, 3d 10 और 4s 1. आनी ये चाहिए थी, लेकिन आती है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3d को फुलफिल होने में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. और अगर डी ऑर्बिटल या कोई भी ऑर्बिटल फुलफिल हो या हाफ फिल हो तो ज्यादा स्टेबल होती है. तो उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो उससे बेटर है, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो तो मोर स्टेबल हो जाएगी. तो उसी वजह से 4s से क्या कर लेती है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेती है, तो पहले हो जाता है 3d 10 एंड 4s 1. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.27. गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीसीज H2+, H2 एंड O2+, राइट. वी हैव टू राइट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट 3 स्पीसीज. पहला है हमारे पास H2+. चलो, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक हाइड्रोजन के पास एक होता है, सही है, तो दो के पास कितने होंगे, 2. लेकिन यहाँ पे H2+ है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया है, तो हमें करना होगा -1. 2 - 1 इट विल बी अ 1 इलेक्ट्रॉन. सही है, तो H2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे. सिमिलरली जो H2 है, तो H2 में 2, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो -0. आप लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, सही है, तो हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन. एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, ना O2+. चलो, एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8. ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कितने ऑक्सीजन है, 2. प्लस उसके पास क्या है, 1 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, डोनेट करता है, तो वी हैव टू -1. सही है, तो हो जाएगा 8 to the 16 -1. तो O2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन. ओके, डू यू गेट इट व्हाट आई वांट टू से, कि यहाँ पे पहले नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो एलिमेंट के लिए कितने हैं वो फाइंड आउट करो, उसके बाद उसका जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंग उसके इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो माइनस करो, अगर गेन करेगा तो उसे ऐड करो. ओके, तो आप इजीली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर पाओगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.28 क्या है, उसमें फर्स्ट है
एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज एन इज इक्वल टू 3, सही है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल एंड एम एल। हमें क्या बोला गया है कि कोई थर्ड एनर्जी लेवल में, मतलब ऑर्बिटल में, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई एलिमेंट का n इज इक्वल टू 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो उसके लिए l एंड ml की सारी पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है। ओके, तो हमें पता है अगर n इज इक्वल टू 3 है, सही है, तो l इज इक्वल टू n माइनस 1, मतलब हो जाएगा 3 माइनस 1 तो 2, मतलब 2 तक की वैल्यू पॉसिबल है। तो l की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, l इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, सही है, L इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है, और L इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है, सही है। कहाँ से आया था, L इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पे जो वैल्यू आए वहां तक पॉसिबल होता है 0 से, तो L इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, L इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है, एंड L इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है। ओके, चलो अब हमें ml की वैल्यू भी चाहिए। ml की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, तो ml की वैल्यू होती है हमारे पास ml इक्वल टू 2l प्लस 1, यहाँ पे 0 रिप्लेस करोगे, सही है, देन यू विल गेट ml इज इक्वल टू 1। मतलब ml की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है जब l इज इक्वल टू 0 हो, और वो वैल्यू कौन सी होगी, तो 0। ओके, 1 वैल्यू पॉसिबल है और वो वैल्यू कौन सी होगी, 0। ओके, नाउ ml इज इक्वल टू, जब l इज इक्वल टू 1 हो तब, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 टोटल हो गए 3। मतलब ml की 3 वैल्यू पॉसिबल है व्हेन l इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml इज इक्वल टू वो वैल्यू, 3 वैल्यू कौन सी है, तो माइनस 1, 0 एंड 1। ओके, डिड यू गेट इट। चलो जो नेक्स्ट है, l इज इक्वल टू 2, ml इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, चलो 2 टू जा 4, 4 प्लस 1 तो हो जाएगा हमारे पास 5। मतलब 5 वैल्यू पॉसिबल है ml की जब l इज इक्वल टू 2 हो। वो कौन कौन सी वैल्यू है, तो 5 है, तो माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 एंड 2। ओके, आई बात समझ में। मतलब कि जब हमारे पास n इज इक्वल टू 3 हो तब l की 3 वैल्यू पॉसिबल है, L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1 एंड L इज इक्वल टू 2। तो ये पहली कंप्लीट। L की वैल्यू पे से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ml की। जब L इज इक्वल टू 0 हो तब ml की वैल्यू होगी 0, जब L इज इक्वल टू 1 हो तब ml की वैल्यू होगी माइनस 1, 0 एंड 1। वो कहाँ से फाइंड आउट किया, यहाँ से। जब L इज इक्वल टू 2 होगा तब ml की वैल्यू होगी माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 एंड 2। ओके, समझ में आ गई बात। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.28 में, उसकी बात करते हैं। लिस्ट द क्वांटम नंबर ml एंड l ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर 3d ऑर्बिट। यहाँ पे n इज इक्वल टू सिर्फ 3 दिया गया था, यहाँ पे 3d बोल दिया है हमें। सो ये 3d ऑर्बिटल के लिए ml और l की वैल्यू लिखनी है। तो फॉर 3d, यहाँ पे d है, मतलब l इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अगर l इज इक्वल टू 2 हो गया तो ml हो जाएगा हमारा 2l प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, टोटल कितनी 5। और ml की वैल्यू जो 5 है वो कौन कौन सी होगी, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 एंड 2। ओके, तो 3d के लिए l की 1 वैल्यू है, 2 वैल्यू है वो आ जाएगी, सही है। और जो ml है उसकी वैल्यू होगी माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 एंड 2। ओके, नाउ 2.28 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं। वी हैव टू राइट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। कि यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल दी गई है, उसमें से कौन सी पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल नहीं है, वो हमें लिखना है। ओके, चलो 1p, तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। क्यों, क्योंकि जो p ऑर्बिटल है वो कहाँ से, सेकेंड एनर्जी लेवल से स्टार्ट होती है, ये तो 1 एनर्जी लेवल का है। 2s ऑर्बिटल, तो यस इट्स पॉसिबल। चलो 2p ऑर्बिटल, इट ऑल्सो पॉसिबल, राइट।
एंड 3f है ऑर्बिटल, नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 4 एनर्जी लेवल से, राइट. यहाँ पे लिख भी सकते हो बिकॉज पी स्टार्ट्स फॉर्म सेकेंड एनर्जी लेवल. ओके, EL मैंने लिखा है शॉर्ट में, यहाँ पे आ नहीं रहा इसलिए. एंड जो F है, F स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल. ओके, और ये तो कौन सा दिया गया है हमें, थर्ड वाला. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.29. यूजिंग SPDF notation, describe the orbital with the following quantum numbers. हमें orbital को represent करना है. ओके, चलो पहला ये है, हमें n is equal to 1, l is equal to 0 दिया गया है. आपको हमेशा याद रखना है जब l is equal to 0 हो तब कौन सी होगी, s. ओके, l is equal to 1 का meaning होता है p, L is equal to 2 का मीनिंग होता है D, और R is equal to 3 का मीनिंग होता है F. हमें इतनी ही अभी देखनी है, S, P, D, F. आगे हो तो उसके अकॉर्डिंग देखते जाओ. चलो, तो N is equal to 1 है, मतलब यहाँ पे जो ऑर्बिट होगी, सही है, वो 1. L is equal to 0 के लिए क्या है, S, तो हो जाएगी 1s. ओके, चलो, जो B है वो है N is equal to 3, L is equal to 1. चलो, तो 3 तो मेन क्वांटम नंबर है, एज इट इज रहेगा. 1 है तो L की वैल्यू 1 होती है, मतलब कि वो कौन सी है, P. तो ये हो जाएगी 3p ऑर्बिटल. C है हमारा N is equal to 4, L is equal to 2. ओके, चलो यहाँ पे 4 है, मतलब जो आंसर है उसमें मेन एनर्जी लेवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो गया. L is equal to 2 के लिए कौन सी है, D. तो ये है हमारी 4d. ओके, नाउ द लास्ट वन, एन इज इक्वल टू 4, एल इज इक्वल टू 3. ओके, चलो तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो एन इज इक्वल टू 4 तो 4 ही रहेगा, 3 के लिए कौन है, F. तो ये है हमारी 4f ऑर्बिटल. तो ऐसे हम जब भी हमें कोई क्वांटम नंबर की वैल्यू दी गई हो और उसके अकॉर्डिंग हम SPDF नोटेशन सो करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.30. एक्सप्लेन गिविंग रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल. तो ये यहाँ पे क्या करना है, तो जो भी क्वांटम सेट हमारा पॉसिबल नहीं हो तो वो क्यों पॉसिबल नहीं है, उसका रीजन देना है हमें. ओके, चलो, तो पहला जो क्वांटम नंबर है वो n इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू 0, ms इक्वल टू 1/2. ओके, तो ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा. क्यों? क्योंकि पहला ही यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 है, सही है, और कभी भी n 0 हो नहीं सकता, सही है. तो हम ये लिख सकते हैं, दिस सेट इज This set is not possible, right? Because n never be 0. Integer ही होगा, 1, 2, 3, 4 ही होगा. Okay? Now the second one, n is equal to 1, l is equal to 0, ml is equal to 0, ms equal to -1. तो ये तो क्या है, पॉसिबल है. और कौन सी होगी, वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर ये होगी तो कौन सी वैल्यू होगी हमारी, तो 1s होगी, और ये क्या है, पॉसिबल है. ओके, चलो, नाउ द थर्ड वन है, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0, ms इक्वल टू 1/2. तो ये क्या हो गई, तो ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो n इज इक्वल टू भी 1 है, l इज इक्वल टू भी 1 है. एक्चुअली जब हम फाइंड आउट करते हैं l, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं l को, l इज इक्वल टू l माइनस 1, सही है.
तो जो भी है हमारी n और l की वैल्यू कभी भी सेम नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे n माइनस वन करने पे l की वैल्यू मिलती है। सही, मतलब ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर n और l की वैल्यू सेम मिली है आपको, इट मीन्स कि वो चीज़ सही नहीं है, सही है, पॉसिबल नहीं है। तो वी कैन से दैट दिस सेट इज नॉट पॉसिबल, दिस सेट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज value of l and n can never be equal। सही है, वो दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। चलो जो सेकेंड फोर्थ है हमारी, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, m l इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी ऑर्बिटल है? 2px, और वो क्या है? तो पॉसिबल है। चलो जो फिफ्थ है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3, m l इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे आप देखो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3, सॉरी ये y इज इक्वल टू 0, 2px नहीं होगी, 2py होगी, इट्स माई मिस्टेक, एम एल इज इक्वल टू 0 है ना, तो 2py हो जाएगी। चलो यहाँ पे भी आप देख सकते हो n एंड l की वैल्यू क्या है, सेम है। सो वी कैन से दैट दिस सेट इज नॉट पॉसिबल, दिस सेट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वैल्यू ऑफ l एंड n नेवर बी सेम, नेवर बी इक्वल, राइट। चलो लास्ट वाला है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m l इज इक्वल टू 0, तो हो गया 3py, और विच वन इज अ पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे हमारे 3 सेट थे जो पॉसिबल नहीं है, उसका रीजन भी देख लिया। पहले में n इज इक्वल टू 0 है और कभी भी n 0 नहीं हो सकता। दूसरे दो में n और l की वैल्यू सेम दी गई है जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज लेक्चर इज एक्सरसाइज 2.31। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, राइट। किसके पास ये क्वांटम नंबर होंगे, और सॉरी उसमें हमें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं कि ये जो क्वांटम नंबर है उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, चलो n इज इक्वल टू 4 दिया गया है पहला जो है वो, और m इज इक्वल टू मतलब स्प्रिंग क्वांटम नंबर दिया गया है माइनस हाफ। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2n स्क्वायर जितने हो जाएंगे। चलो 2 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 2 × 4 = 16, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन होंगे जब n इज इक्वल टू 4 है। लेकिन हमें यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस हाफ दिया गया है, सही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी माइनस हाफ वैल्यू होगी, ये इससे हाफ होंगे, क्योंकि ये टोटल है, जितने भी होते हैं उसमें से हाफ की स्पिन माइनस हाफ होती है और हाफ की प्लस हाफ होती है। हमें सिर्फ उतने इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं जिनकी माइनस हाफ स्पिन हो, तो वो कितने होंगे, ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन है उससे हाफ हो जाएंगे, सही है। सो वी कैन से दैट हाफ ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैव एम एस इक्वल टू माइनस वन हाफ वैल्यू, राइट। सो देयरफॉर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 32 × 1/2, सो इट विल बी अ 16 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, सही है, किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 आए, जिसका n इज इक्वल टू 4 हो और m s की वैल्यू हो माइनस वन हाफ। ओके, चलो b है वो क्या है, n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे तो 3 है,
ये कौन सी है, 3s, सही है। यहाँ पे अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 है, मीन्स ये 3s ऑर्बिटल है, सही है। मीन्स दिस सेट रिप्रेजेंट, वी कैन से दैट n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 सेट रिप्रेजेंट 3s ऑर्बिटल विच कैन हैव टू इलेक्ट्रॉन्स। और जो s है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन क्या कहने चाहता है उसे ध्यान से समझो, उसे दो बार पढ़ो धीरे धीरे, सही है, और फिर उसे समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या हमें आंसर देना है। ओके, अगर आप उसे समझ जाओगे यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, राइट। थैंक यू।